जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। क्यूरियोसिटी दोस्तों। बैंगलोर के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जितने भी कंपनीज के बारे में आपने सुना है सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इकोसिस्टम के अंदर किस कंपनी को लेकर है hmm. और आप किस तरह की कंपनीज को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो इस एक्साइटमेंट टोटली ड्रिवन बाय प्रॉफिटेबिलिटी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्पेस क्या कहते हैं उसको स्पेस में से भी काफी सारे कंपनीज निकलती है बट जनरली बैंगलोर स्टार्टअप इको के बारे में कुछ बताइए आप बैंगलोर बेस्ड हो ना यस यस ओके स्पेशलिटी क्या है बैंगलोर में रहकर आप ओरिजिनली दिल्ली से हो राइट right. uh, क्यों शिफ्ट हुए बैंगलोर ओके okay. और दूसरा सवाल यह है कि बैंगलोर की रियलिटी थोड़ी सी आउट कर दीजिए uh, देश के लिए मैं इसलिए ये पूछा क्योंकि जब मैं कॉलेज में था बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं बैंगलोर और गुरगांव आई से बोथ दीज प्लेसेस क्या हो रहा है इन दोनों जगह ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में और क्या हर किसी को सक्सेस मिलता है बैंगलोर में ये भी बताइए सो आई थिंक इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रियल टाउन्स थे वो क्या क्यों हुए थे और इससे हम खोर रिलेशन ड्रॉ करते हैं तो पहले ज़माने में क्या होता था कि एक अगर टाउन में टाटा ने एक फैक्ट्री खोल दी जमशेदपुर में तो उस फैक्ट्री के अराउंड पूरा लाइवलीहुड आ गया उसके अराउंड हॉस्पिटल खुल गए स्कूल खुल गए दुकानें खुल गई रेस्टोरेंट खुल गए उसी रेस्टोरेंट में जो लोग जा रहे थे वो जो लोग पैसे कमा रहे थे वो और सर्विसेज खरीदने लगे मॉल्स खुल गए सिमिलरली सो ऑन एंड सोफोर्ड तो एक इको बन गया इसलिए लोग बड़े शहरों में जाते थे या फिर टाउन में जाते थे जहाँ पे एक कॉमर्स होती थी सिमिलरली अगर हम टेक इंडस्ट्री को देखेंगे तो इंडिया के अंदर प्रीडोमिनेटली बेंगलोर है जहां पे ये पहले शुरू हुई थी और इसके अंदर हम क्रेडिट देंगे कंपनीज को टी सी एस इन्फोसिस विप्रो जिनके शुरू के कुछ ऑफिस बेंगलोर में थे hmm. यहां पे इन लोगों ने खोले अपने ऑफिस अब इन ऑफिस खोलने से क्या हुआ कि इनके जो एग्जेक्यूटिवस थे इन एग्जेक्यूटिव ने बहुत कुछ सीखा टी सी एसिस ऑफ द बड़ी बड़ी कंपनियों में इन लोगों ने उन कंपनियों से निकल के और कंपनियां खोली अब इन्होंने और कंपनियां खोली तो इन्होंने और लोग हायर किए तो कुछ लोग इन्होंने डी इनसे ही हायर किए पैरल अपने छोटे गांवों से शहरों से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाने लग गए कि भाई आ जाओ यहां पे चल रहे है तो शुरू में तो देखम देखी में रिश्तेदारी दोस्ती यारी के चक्कर में कई लोग माइग्रेट किए पर जो लोग माइग्रेट किए इन्हीं लोगों ने देश का फ्यूचर बनाया इन्हीं लोगों ने टेक की पहली लेयर बनाई देश के अंदर अब धीरे धीरे इनने पैसा कमाया पैसा कमाया तो इन्होंने और बड़े बिजनेस बनाए इन्होंने और बड़े पार्क्स बनाए Similarly, it became a cycle बन गई कि वो चलती गई चलती गई वो बढ़ता गया बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए सो hmm. so, अगर आप बैंगलोर को देखोगे गुरगाव को देखोगे तो कोई वजह कुछ इन जगहों में ऐसा कुछ खास नहीं है जो खास बात है यहाँ के लोग और लोग क्यों बिकॉज सही टाइम पे सही जगह थे फर्स्ट मूवर एडवांटेज सही टाइम पे शुरू कर लिया और वो एक साइकिल बन गई तो इस चक्कर में आई थिंक बैंगलोर में ज़्यादातर लोग टेक के अंदर जाना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है नौकरियां मिल जाएंगी एक ऑन्ट्रप्रनर को लगता है लोग हायर करना आसान होगा एक ऑन्ट्रप्रनर को लगता है कि जो वी होंगे जो पैसे देने वाले होंगे इन्वेस्टर्स होंगे इन लोगों से पैसा उठाना आसान हो जाएगा एम्प्लॉयज़ ढूंढना आसान हो जाएगा तो सब लोगों को लगता है कि एक्सेस अब मैं आपसे पूछता हूँ आप, आप बॉम्बे में अगर किसी को एक्टिंग में बॉलीवुड माने वाए वो बॉम्बे के आते हैं आंसर आपके सामने है ना बिकॉज इकोसिस्टम सिस्टम यहाँ पे तो सिमिलरली टेक इंडस्ट्री में चाहे वो ऑन्टरप्रीनरशिप हो चाहे वो जॉब हो लोगों को लगता है कि अगर मुझे स्टार्टअप में कुछ करना है तो बैंगलोर में आसानी होगी लोगों को लगता है कि असल में आसान होता है काफी हद तक आज तक आसान था अब जो हम देख रहे हैं कई छोटे शहर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट जहाँ पे ये एक्सेस डेमोक्रेटाइज हो रहा है इंदौर इंदौर तो मतलब मैं अभी एक और जगह मैंने बात की थी इंदौर तो एकदम एक ही अलग लेवल पे चल रहा है अभी और कौन सा शहर इंदौर बहुत अच्छा है अलाहाबाद बहुत अच्छा चल रहा है कैलकाटा इज नॉट टीयर टू बट कैलकटा में भी काफी वो स्टैट्स के बहुत लोग हैं ना वहाँ पे स्टैट्स की वजह से कैलकाटा अच्छा चल रहा है देन भोपाल साइड इज डूइंग वेरी वेल और बंगाली बहुत सुंदर भी होते हैं जो भी होगा सो Uh, आपकी थॉट बड़ी मजेदार है तो बहुत सुंदर है। आमी तो वहां के भालू भाषे जस्ट जस्ट कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट जो भी ये शहर है अब ऐसा नहीं अब सिर्फ बैंगलोर में ही मुझे टेक की नौकरी मिल सकती है या सिर्फ बैंगलोर में ही मैं स्टार्टअप खोल सकता हूं बिकॉज ऑफ इंटरनेट और जगह भी एक्सेस डेमोक्रेटाइज हो गया तो आज भी आप देखोगे हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का इतना स्ट्रांग नहीं है हुँ. जो सिटीज को सिटीज को कनेक्ट कर रहा है चाहे वो रेलवे हो चाहे वो आपके रोडवेज हो चाहे वो पानी हो जो भी इलेक्ट्रिसिटी हो जो मोदी गवर्नमेंट का मेन फोकस है संजीव सन्याल ने शो पर ये yes, बात कही यस मेन फोकस है उनके पूरे टेन्योर का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर yes. है जब मैंने कैबिनेट से पूछा कि ये, क्या ये सच है कैबिनेट ने कहा वी लुक एट 360 पर मुझे ऑनेस्टली ऑल ऑल इन लगता है कि मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर मेन इंफ्रा है बट डिजिटल इंफ्रा को ऑलरेडी कंट्री के अंदर पहुंचा दिया गया इवन so दो आप और मैं बोलेंगे कि रोड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कम है या फिर पानी कम है वट डिजिटली काफी हद तक डेमोक्रेटाइजेशन होनी शुरू हो गई है तो छोटे शहर वाले का भी वो भी टिया आपका शो देख पा रहे हैं hmm. ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉम्बे बैंगलोर वाले लोग आपका शो देख पा रहे हैं। नहीं यू से दिस मेरे को एक बहुत गंदा तरीका पता है कि मैं कैसे बोलिए बोलिए नहीं नहीं उतना उतना गंदा <laughs> मैं नहीं बोलने वाला बट बेसिकली मैं खुद को खुद की तारीफ नहीं कर रहा इस तरह का कॉन्टेंट आप जैसे लोगों की वजह से ठीक है आई नो कि मेरी खासियत है कि मैं अच्छे सवाल पूछता हूँ ठीक है क्यों मैं खुद सीखने की कोशिश कर रहा हूँ इंजीनियरिंग हम्म इस तरह का कंटेंट दो साल पहले भी भारत में नहीं था मेरी इंटेंशन इस कंटेंट को लेकर यह है कि लोगों को बहुत हाई लेवल की एडवांस्ड एजुकेशन आसानी hmm. से मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट आई होप कि छोटे शहरों में लोग टिकटॉक के बदले ऐसा कंटेंट देख रहे होंगे नहीं डेटा दिखाता देख रहे हैं so, uh, हिंदी पॉडकास्ट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है आई जस्ट वांट मोर अग्रेसिव ग्रोथ क्योंकि hmm. भारत की पॉपुलेशन 1.5 पॉइंट फाइव डेढ़ सौ वन पॉइंट बिलियन मान लो हाँ. कितना होता है 15 गरोड़, 150 करोड़ अराउंड और 2 मिलियन कितना होता है 20 लाख 20 लाख अगर टू मिलियन आ गए ना podcast पर ना, hit podcast है, यार लाख करोड़ कितने लोग नहीं देख रहे इस content को वो कई लोग ना अगर आपके लाख आते हैं जो मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग मैंने की है एक्चुअली व्यूज पचास साठ लाख होंगे कई तो कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है जो कभी कैप्चर नहीं होते आपके उसमें सो आइडली तो मेरे हिसाब से जो भी आपके व्यूज हैं डबल ए ट्रिपल तो अ पॉडकास्टर मुझे फ्रस्ट्रेशन इस बात की फील होती है दो आई नो वेद

कमिंग बैक टू द कॉन्वर्जेशन बैंगलोर और स्टार्टअप हब्स के बारे में बात कर रहे थे तो क्या इंदौर में क्या कचा स्टार्टअप कल्चर अभी बढ़ रहा है बढ़ रहा है अक्रॉस द कंट्री बढ़ रहा है ओके okay. तो बैंगलोर में क्या हो रहा है बैंगलोर के अंदर जैसा आपने तो देखा मेच्योरिटी बढ़ गई है तो पहले क्या था कि एक डिफरेंस बैंगलोर में और शहरों में ये है कि थोड़ी मेच्योरिटी बैंगलोर में अच्छी ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे एक्सपीरियंस फाउंडर्स ज्यादा है जिन लोगों ने पहले एक्सपीरियंस वेंचर कैपिटलिस्ट ज्यादा है तो जिन लोगों ने ये साइकिल देखी हुई है बार बार जिनको इंडिया के बारे में पता है इंडिया में क्या चलता है क्या नहीं चलता वो लोग थोड़े ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं तो एज अ ऑनटरप्रोर इफ यूर स्टार्टिंग अप इट इज ऑलवेज गुड कि आपको ऐसे लोग मिले जो क्रिटिकली आपको इवेलुएट करें क्रिटिकली आपको अपनी सीख से समझाएं तो मुझे लगता है बड़े शहरों में बैंगलोर जैसे फायदा आपको ये मिल जाता है बस ये डिफरेंस रह गया बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ओके okay. uh, मेरे काफी सारे बिजनेस मैंटर्स हैं मैंने एक की चीज सीखी है 2015 में जब मेरे खुद के करियर की की शुरुआत हुई थी, भाई से पहले मैं एक फिटनेस लॉन्च करने की कोशिश कर really? रहा था। meant... यू right? तो मैंने सोचा कि आई मेक फॉर ट्रेनर्स। बहुत hmm. idea,

अब हम कर रहे हैं ना इट्स वर्जन ऑफ दैट बेसिकली इसमें मतलब लेवल में लेवल में आप करके आ रहे थोड़ा मुझे एक कर, तो मैं भी ना मेरे कई दोस्त हैं जैसा आपने बताया मेंटल हेल्थ एक हमारी जनरेशन hmm. में बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है एक्सैक्टली exactly. तो मेरे को वो पूछते हैं यार क्या करें एंड सब लोग श्रिंक्स पे जाना ना चाहते ना पैसे hmm. तो मुझे लगता है कि जो आप लोग कर रहे हो थोड़ा आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं थैंक्स फॉर द दुनिटी टू मार्केट माई ये दो की केमिस्ट्री uh, ओके okay, पर uh, बेसिकली का प्रॉब्लम है मेडिटेशन uh, पूरे तरीके से एक सोल्यूशन नहीं होता बट काफी हद तक आपकी बढ़ता है, आपकी बढ़ती है क्योंकि आपका मसल मास बढ़ा है Obviously. उसी तरह से ब्रेन की भी पावर और ब्रेन की स्टेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो मेडिटेशन के थ्रू फिटनेस uh, की दुनिया में इंटरमीट फास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है यानी कि अगर आपने बारह घंटे तक कुछ नहीं खाया आपके पेट को रेस्ट मिल जाती है और उस रेस्ट की वजह से आपकी बॉडी की हीलिंग बढ़ती है उसी तरह से आपके दिमाग को भी रेस्ट चाहिए रहती है जो आपको शायद स्लीप के थ्रू भी पूरी तरह से नहीं मिलती मॉडर्न वर्ल्ड में क्योंकि हम फोन्स पर होते हैं आपको सिर्फ ब्रेन एक्सरसाइज से वो रेस्ट मिलेगी जो मेडिटेशन होती है अभी हर कोई ईशा फाउंडेशन को ज्वाइन नहीं करने वाला को ज्वाइन नहीं करने वाला लेवल इज फॉर एवरी वन एल्स न्यूरोसाइंस के बेसिस पर हम थोड़े से यंग पर्सन ओरिएंटेड मेडिटेशंस डेवलप कर रहे हैं तो ये आप कॉर्पोरेट लेवल पे कर रहे हो प्लान हाँ, बिकॉज yeah. हाँ, uh, वो uh, बहुत जरूरी मैं खुद मैं आपका कस्टमर बनना चाहूंगा इफ यू जनरली बिकॉज़ ये बहुत कॉमन चीज है कॉर्पोरेट yeah. गेम्स uh, अब शुरू कर रहे फील कि वी वर स्टिल इन बीटा टिल नाउ No, uh, we mm -hmm. स्ट mm -hmm. mm -hmm. मतलब, mm -hmm. के नीचे और हर पॉडकास्ट के आउट्रो में मैं कहता हूँ कि प्लीज गेस्ट रिकमेंडेशन दीजिए क्यों mm -hmm. क्योंकि मुझे पता है कि व्यूज वहीं से आएंगे mm -hmm. अगर इफ यू एबल टू लैंडल गेस्ट रिकमेंडेशन आई डू वेल प्रोडक्ट में लॉजिक सेम होता है इंक्रीमेंटल चेंजेस बेस्ड ऑन इनपुट तो हम काफी हद तक स्ट्रेल्थ में काम कर रहे हैं ज्यादा खुल के मार्केटिंग नहीं कर हाँ, हाँ, नहीं। right yeah. wow. रहे मार्केटिंग इज ओनली राइट सीरियसली कॉन्शियसली क्योंकि प्रोडक्ट और ज्यादा डेवेलप हो रहा है ताकि द बिग ग्रोथ शुड कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया क्योंकि तीनों को फाउंडर्स दे द साइड जो आपने ड्रॉ की

दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए सीखते रहिए ग्रो करते रहिए क्यूरियोसिटी ऑन द रेल शो